हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो आज देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज क्या स्पेशल लेकर आया है, आइए देखते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ कई ऐसी जगहें हैं जो किसी न किसी चीज के लिए खास मानी जाती हैं। कुछ जगहों की खासियत ऐसी भी होती है जिसे जानने के बाद लोग बिना हैरान हुए नहीं रह पाते हैं। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी सच्चाई जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ब्राजील का कैंडिडो गोडोई अपनी तरह का पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा टाउन है जिसे ट्विजलैंड के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि इस गांव में बड़ी संख्या में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ हर 10 में से एक प्रेगनेंसी मल्टीपल बर्थ वाली होती है। इसके लिए ज्यादातर ऑब्जर्वर नाजियों को दोषी मानते हैं। नाजियों के सरदार एडोल्फ हिटलर के बारे में किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। एडोल्फ हिटलर इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक माना जाता है। एडोल्फ हिटलर अपने दुश्मनों को मात देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता था। एडोल्फ हिटलर काले जादू में भी खूब विश्वास करता था। उसने लोगों का नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी करवाए थे। उन्हीं एक्सपेरिमेंट करने वाले डॉक्टरों में से एक डॉक्टर वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यहाँ भाग कर आ गया था। यहाँ आने के बाद उसने यहाँ पर भी कई मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए जिसकी वजह से ये असर हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस गांव में 1959 से लेकर 2008 के बीच 436 लोगों का जन्म हुआ जिसमें से 33 जुड़वा बच्चे थे। ये सभी केवल 4 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले थे। ज्यादातर लोगों का कहना है कि इसके पीछे ही जेल ऑफ डेथ के नाम से मशहूर हिटलर का करीबी डॉक्टर जोसेफ मिगेल था। कई इतिहासकारों का कहना है कि नाजी कैंप से भागकर मिगेल ब्राजील आ गया और यहाँ उसने कई एक्सपेरिमेंट किए। अपने मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए वह जंग के समय बहुत बदनाम था। उसी की वजह से लगभग 400,000 यहूदी मारे गए थे। ऑब्जर्वर का मानना है कि जोसेफ अपने मुखिया हिटलर के लिए आर्यन मास्टर रेस तैयार करना चाहता था। हिटलर के डेथ कैंप में काम करते हुए जोसेफ ने अनुवंशिक शंकु खोजने की कोशिश की थी जिससे जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। इसके लिए उसने कई खतरनाक एक्सपेरिमेंट भी किए थे। टाउन के लोगों के अनुसार डॉक्टर जोसेफ 1960 के दशक में कई बार टाउन में आए थे। वो टाउन की महिलाओं का मेडिकल ट्रीटमेंट किया करते थे।